नमस्कार, मैं बलजी ढाका फ्रेंडली राइस कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज आप जानते होंगे कि महीने का आखिरी दिन है, आपकी जो एग्जाम है उसकी घड़ियां नजदीक आती जा रही है। 12 सितंबर को आपका एग्जाम होना है, मतलब कुछ घंटे बचे हुए हैं। आप बोल सकते हैं कि आपके लिए अगर 10 घंटे 15 घंटे आप हर रोज यूज करते हैं तो 120 या 130 घंटे आपके सामने हैं जो कि आपकी करियर को डिसाइड करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें, कोई बोल रहा है कि मेरा सेंटर है अंबाला कैंट में है, किसी का आ गया तो अब देखिए आपके सामने कार्ड वगैरह भी आ गए हैं, या जिसके नहीं आए हैं तो आ जाएंगे जिसको डाउट है। ठीक है, तो आगे चलते हैं बिना आगे टाइम खराब किए हुए। अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो आखिरी मौके पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने चाहिए, रिविजन करने चाहिए, MCQ करने चाहिए। इसके लिए टेस्ट के लिए आपको क्या है, यहाँ पर जाना है, हमारी वेबसाइट है baljiedhaka.com, वहाँ पर जाकर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद में क्या है कि जो आज हम लोग कर रहे हैं वो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, लेकिन कल जो आपको करके आना है, पढ़ाई करके आनी है, वो आपको केमिस्ट्री के ये सारे चैप्टर रिवाइज करके आने हैं। मैं यहाँ पे पूछूंगा आपसे, हम लोग क्या करते हैं, टारगेट देते हैं जिससे कि आप सारा दिन वो पढ़ाई करो 3-4 घंटे कम से कम, बाकी आप अपनी चीज़ें पढ़ सकते हैं, टेस्ट भी दे सकते हैं, MCQ भी कर सकते हैं बाकी इसके अलावा। और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपका टेस्ट हो जाता है कि वास्तव में क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं और कहाँ पे आप अटक सकते हैं। तो ये इसका एजेंडा, आपको यहाँ पे पढ़ाना नहीं है एजेंडा। कई बच्चे सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाए, ये पढ़ाना नहीं है, आपका सुनना है, होमवर्क सुनना है कि आपको जो टास्क दी गई थी उसमें आपकी एफिशिएंसी क्या है, ये एजेंडा आप समझिए इसको। ठीक है, तो कल आपको ये वाली चीज़ें करके आने, 5 चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मेटल, नॉन मेटल, लॉयज, एसिड बेस, मेटलर्जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये वाली सारी चीज़ें आपको करके आनी है जो आमतौर पर कॉम्पिटिशन एग्जाम में, क्योंकि फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन ही HS वगैरह पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो वाली चीज़ आपको आनी चाहिए। अब चलते हैं आगे। अगर आपने जो ये कहाँ से मिलेगा, अगर आपको ये रिवीजन करना पूरा का पूरा, पूरी की पूरी GS आपको रिवीजन करनी है, तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। जो मैं करवा रहा हूँ, टारगेट दे रहा हूँ, वो इसी से ही है। और इसके अलावा आपने देखा होगा यहाँ, अगर आप हाई लेवल के क्वेश्चन करना चाहते हैं, 20,000 क्वेश्चन इसमें है, ये वाली चीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो था कि आपको क्या करना है, अगला टारगेट हमारा क्या होगा। अब चलते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। और कोई किसी का फरीदाबाद है, ये देखिए 15 क्वेश्चन जब हो जाएंगे, 15 क्वेश्चन हो जाएंगे तो हम लोग वो बात करेंगे जो आप पूछना चाह रहे हैं। 15 क्वेश्चन के बाद एडमिट कार्ड, एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या है क्या नहीं है, उन सबकी भ्रांति हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले हम लोग पढ़ाई पर फोकस करते हैं। और आज आपको इकोनॉमिक्स, कई बच्चे डरते हैं, तो देखते हैं किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं और आप कैसे आखिरी मौके पर इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, आपने यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके बारे में काफी ज्यादा सुना होगा, बताना आपको कि कौन सा पेयर इनकरेक्ट है, मतलब कौन सी चीज सही नहीं है जो नीचे दी गई है, बताने की कोशिश करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड मेंस में भी आ सकता है कि उसके ऊपर लिखना है आपको, और यहाँ पे भी आपको आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको आ सकता है मेंस के अलावा प्रीलिम्स में भी, यहाँ मतलब प्रीलिम्स में। ठीक है, तो कोई बोल रहा है क्वालिटी एजुकेशन है SDG 4, वो नहीं है। जीरो हंगर SDG 2, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नो पुअर्टी SDG 1, क्वालिटी एजुकेशन SDG 3, इसमें से क्या होगा, इसी में से बताना है। तो कोई बच्चा बोल रहा है 1 का D है, ज्यादातर का आंसर क्या है, D दे रहे हैं, देखते हैं कि वास्तव में सही है नहीं है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि इससे पहले कि सही है या नहीं है, मैं एक बार देख लेता हूं, मैंने एक डायग्राम लगाया नहीं है लगाया है, और ये देखिए आपको ये डायग्राम देखिए, और ये इंपॉर्टेंट है कि 17 जो गोल है यहाँ पे, वो 17 गोल कौन कौन से हैं उसकी एक बार आप रीडिंग मार सकते हैं, एक बार क्या है उसकी रीडिंग मार सकते हैं। और एक बार जरूर जाकर, क्योंकि फ्रंट पेज के ऊपर ही है, यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट पर जाकर आप जरूर देख सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड, वहाँ पे 1-1.5 मिनट का वीडियो भी है जिससे कि आप एकदम से झटके के साथ में सारे के सारे एक बार दिमाग में बिठा ले, तो वो जरूर देख लेना, 1 मिनट में ही आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वालिटी एजुकेशन है, देखो ये 4th पॉइंट है, क्वालिटी एजुकेशन है वो एक्चुअल में, क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे SDG 3 दिया हुआ है, ये देखिए SDG 3, तो है क्या ये SDG 4 है, आपका क्वेश्चन तो ये था ना, SDG यहाँ पे क्या है 4 है, बाकी सही है, बाकी क्या है कि सही है। और ये वाला क्वेश्चन है वो आया हुआ है कॉम्पिटिशन के एग्जाम में, जो ये सारे कर रहे हैं क्वेश्चन ने, ये आए हुए हैं कॉम्पिटिशन के जो एग्जाम होते हैं ना उसमें, कहीं सोचो कि इस तरह से रैंकिंग थोड़ी आ सकती है। ठीक है, आगे चल लेते हैं।
अगला क्वेश्चन को बताने की कोशिश कीजिए कि क्या इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का मेंबर कौन सा देश नहीं है? WTO का मेंबर कौन सा देश नहीं है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने सुना होगा, बताओ कि कौन सा देश है WTO का मेंबर नहीं है, ये बता दो फटाफट। सौरभ बोला कि सर डी पक्का है, क्वालिटी एजुकेशन। चलो आप पढ़कर आयो, आप लोग सारे पढ़कर आयो। अनिशा कपूर का बोलना है कि वन का डी है। चलो योगेश परमार डी, दूसरे का बी। विकास महेंद्र गुजर का दूसरे का बी। सारे पढ़कर आए हैं क्या? इसराइल, इसराइल तो एक विकसित कंट्री है। अमेरिका की, जिसकी अमेरिका के साथ में बनती है, वेस्टर्न कंट्री के साथ में बनती है, वो तो WTO का मेंबर बनेगा ही बनेगा, वो तो WTO का मेंबर बना ही बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये सारे के सारे WTO के मेंबर है, ये वाले सारे, लेकिन ये वाला मेंबर नहीं है, ईरान नहीं है। क्यों क्यों नहीं है ईरान? ईरान और अमेरिका के बीच में हमेशा ही 36 का आंकड़ा रहा है। अमेरिका हमेशा कहीं ना कहीं अपनी दादागिरी है, या ईरान है वो बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवादी इस्लामी कंट्री टाइप का है, और वहाँ पे धार्मिक जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। तेल भी है, तेल भी है ईरान में, तो जब जहाँ पे तेल होगा अमेरिका तो कूद कूदना ही कूदना है, जहाँ तेल वहाँ अमेरिका, ठीक है। और वो लड़ाई का कोई बहाना जरूर ढूंढेगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। तो बाकी सारे देश है, 2005 में ये ईरान है, वो ऑब्जर्वर का स्टेटस तो जरूर है उसके पास में, लेकिन सदस्य नहीं है, अमेरिका ने उसका सदस्यता रोक रखी है। 2005 से वो ऑब्जर्वर है। इसके अलावा बाकी 1995 में जो तीन कंट्री दिखा रखे हैं, 1995 से ही वो सारे मेंबर है। आगे चल लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि जो न्यूक्लियर डील है, अमेरिका ये बोलता है कि ईरान है ना न्यूक्लियर बम या न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर कोई चीज बनाने की कोशिश कर रहा है हथियार, तो ऐसे सिचुएशन में ईरान है वो अपनी गारंटी दे के हम नहीं बनाएंगे या हम डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी नहीं करेंगे, इसलिए हम वहाँ पे जांच करेंगे, जांच करवाने दे हमारे ऑब्जर्वर या वहाँ पे भेजने दे यूनाइटेड नेशन की तरफ से। तो ईरान कभी बोलता है भेज दो, कभी बोलता है भैया आप ड्रामे कर रहे हो, हम अपने हिसाब से चलेंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये किसानों का हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा मुद्दा रहा है। आप जानते होंगे किसानों की जो कई डिमांड है उसमें से ये है कि भाई हमें MSP लिखित में, ये बजाय कानून बना दो MSP का, लिखित में नहीं कानून बना दो। सरकार क्या बोल रही है कि जब हम ऑलरेडी दे रहे हैं इतने सालों से, वो कानून नहीं है तो आगे कानून बनाने की क्या ज़रूरत है। ये कुल मिलाकर क्या है कि एक इश्यू है जो कि आज के टाइम में इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है। 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा, 1-2 दिन पहले ही, कि करनाल में किसी SDM ने सिर फुलवा दिया, इस तरह का भड़काऊ टाइप की बात बोलकर। वो किस तरह की सिचुएशन में है वो तो अलग मामला है कि किस तरह के हालात क्रिएट हुए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है कि जो किसान है वो एकदम उफान पे आ गए हैं दोबारा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज रिकमेंडेड बाय, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस इतना होना चाहिए, गेहूं का इतना होना चाहिए, चावल का इतना होना चाहिए, चने का इतना होना चाहिए, इसका इतना होना चाहिए, ये बात कौन बताता है? ये बात है वो कौन रिकमेंडेशन देता है, कैलकुलेशन कौन करता है इस मुद्दे की कि भाई देखो इतनी कॉस्ट आई है, इतना इसका प्राइस हो जाना चाहिए मार्केट के हिसाब से, सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर, ठीक है। कमीशन फॉर वेट्स एंड मेजर्स, कमीशन फॉर वेट्स एंड मेजर्स, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फार्मर वेलफेयर सोसाइटी या कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, इसमें से कौन डिसाइड करता है? बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, हर तरह से UPSC हो या कोई स्टेट PCS हो या कोई और एग्जाम हो, ये क्वेश्चन हमेशा घुमा फिरा कर स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी आ सकता है, जैसे UPSC में आता है, कई फॉर्मेट में पूछा गया, तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक आंसर दिया हुआ है, वो है डी, ये आंसर दिया हुआ यहाँ पे क्या है, डी है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्या होता है कि हर साल कैबिनेट कमेटी होती है ना इकोनॉमिक अफेयर्स पे, जो रिकमेंडेशन होती है किसकी, इस वाले कमीशन की, उसके ऊपर फैसला लेता है। इस एक्चुअल में सरकार ही फैसला लेगी ना, इन्होंने तो अपनी रिकमेंडेशन दे दी कि इतना प्राइस होना चाहिए,
सरकार अब फैसला लेगी, करे न करे, वित्तीय घाटा सारी चीजें देखनी पड़ेगी सरकार को। तो उसमें क्या है कि हर साल कैबिनेट कमेटी होती है इकोनॉमिक अफेयर्स की, वो फिर एक्चुअल में अनाउंसमेंट करती है। आपको ये बताना अगले क्वेश्चन में, फॉर विच क्रॉप फेयर एंड रिम्यूनेटरी प्राइस इज अनाउंस्ड इंस्टेड ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एक होता है एमएसपी, आपने सुना होगा कि एक तो होता है एमएसपी, एमएसपी के अलावा भी चीजें, एक और चीज होती है ठीक है, जिसका नाम क्या है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, एफआरपी भी बोलते हैं इसको, एफआरपी भी बोलते हैं, जैसे एमएसपी उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं एफआरपी, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। ये फेयर एंड या एफआरपी है, ये कौन सी फसल पे लागू होता है, एफआरपी कौन सी फसल पे लागू होता है, मतलब एमएसपी नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है, और फेयर क्या है, वहां पे क्या है कि फेयर प्राइस दिया जाएगा, कुल मिलाकर एक अच्छा प्राइस दिया जाएगा। तो यहाँ पे सरिता कश्यप का आंसर आ रहा है, इशिता का आंसर आ रहा है बी, प्रीति चौधरी का आ रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा कि यहाँ पे जो शुगर कैन है वहां पे ये प्राइस है वो सरकार अनाउंस करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अटल टिंकरिंग लैब इज एन इनिशिएटिव बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। एक तो एग्जाम में आपका एचएस मेंस में ऐसे आ सकता है कि अटल टिंकरिंग लैब है उसके ऊपर नोट्स लिखो 40 शब्दों में या 50 शब्दों में या 100 शब्दों में, ठीक है। दूसरा कैसे आ सकता है, दूसरा आ सकता है आपके प्रीलिम्स के हिसाब से कि बताओ ये जो अटल टिंकरिंग लैब है कॉलेज में शैक्षणिक संस्थानों में एक यंग माइंड को उसको इनोवेटिव सोचे, मैथमेटिकली सोचे, उसकी स्किल को डेवलपमेंट करे, उसके विजन को डेवलपमेंट करे, उसके माइंड को बढ़ाए, इसके लिए ये लैब है वो स्टार्ट की गई है। और ये लैब स्टार्ट करने का मतलब किस संस्था के अंतर्गत ये इनिशिएटिव है वो किस संस्था का है ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो थिंक टैंक है, भारत का भी थिंक टैंक कौन है, नीति आयोग, और नीति आयोग ने अपने अंडर ये थिंक टैंक लैब बना दिया, अटल टिंकरिंग लैब, जिसका काम क्या है कि थोड़ा रिसर्च टाइप की एक्टिविटी को बढ़ावा देना है शैक्षणिक संस्थानों में, ठीक है। तो कई बार ये आपको देखिए पहले एग्जाम में ये आता था बहुत ज़्यादा कि इसकी फुल फॉर्म बताइए, मुझे नहीं लगता कि एचएस में ऐसे आएगा, लेकिन एचएस में क्वेश्चन कई बार बहुत आसान आते हैं, आपको लगेगा ही कि आप कोई क्लरिकल का पेपर दे रहे हैं या एचएस का पेपर दे रहे हैं। आमतौर पर क्या होता है, कई बच्चे जो एचएस की तैयारी करते हैं उनके दिमाग में ये होता है एचएस का तैयारी कर रहा हूँ मैं, बहुत बड़ा लेवल होता होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए जब आप ज्वाइन करेंगे तो भी आपको थोड़ा सा एक कई दिन लगेगा यार वो मजा नहीं आ रहा जो एचएस में मैंने सोचा कुछ और था, या तो कुछ क्लरिकल टाइप का ही काम हो रहा है, वहां पे भी ऐसा महसूस होगा स्टार्टिंग में, बाद में भी ऐसा होगा। लेकिन यहां पे हम बात ये कर रहे हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग, जो कि प्लानिंग कमीशन था उसकी जगह पे ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ये क्या है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। आगे चल लेते हैं, ए कंपनी दैट हैज बीन फाउंडेड आफ्टर 2003 एंड दैट हैज, कोई बोल रहा है कि क्या हरियाणा का भी थिंक टैंक है क्या नीति आयोग की तरह। तो जब हम इकोनॉमिक सर्वे कर रहे थे वहां पे एक इंस्टीट्यूशन का नाम आया था जिसका काम क्या था कि रिसर्च करना, जैसे कि थिंक टैंक ये करता है ना नीति आयोग, तो आपको वो बताना है। और उसका काम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी रिसर्च करना है कि कितने इंप्लीमेंट हुए कितने नहीं हुए। आपको अब कमेंट, जब वीडियो खत्म हो जाए कमेंट सेक्शन में बताना है कि उसका क्या नाम है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि उसका क्या नाम है, किसका, जो कोई बोल रहा नीति आयोग इंडिया में है तो क्या इसी तरह का कोई संगठन इसके इर्द गिर्द है, रिसर्च वाला ऑर्गेनाइजेशन है वो, क्या हरियाणा में कोई है इस तरह का। तो मैंने आपको जब इकोनॉमिक सर्वे हरियाणा में किया था वहां पे भी बताया था और ये वर्ड बोला भी था
कि जैसे केंद्र में नीति आयोग का काम कर रहा है ना, यहाँ पे लगभग उसी तरह का काम कर रहा है। वहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आई थी। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करो। वो बोल रहा स्क्रीन क्लियर नहीं, ऐसा तो नहीं है, स्क्रीन तो क्लियर है, स्क्रीन तो क्लियर है। देखो जो बच्चा जिसको लग रहा है स्क्रीन क्लियर नहीं है, वहां पे अपने अंदर देखो कि कुछ गड़बड़ है, आपके मोबाइल में लैपटॉप में कुछ गड़बड़ है, आप रिफ्रेश करो, स्क्रीन है बिल्कुल क्लियर है। ए कंपनी दैट हैज बीन फाउंडेड आफ्टर 2003 एंड दैट हैज ए करंट वैल्यूएशन ऑफ मोर देन 1 बिलियन यूएसडी, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, 1 बिलियन यूएसडी इज रेफर टू एज इन द इंडस्ट्री बाई विच टर्म। आपको यह बताना है क्वेश्चन नंबर सिक्स में, क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या दिया हुआ है कि एक कंपनी है जो 2003 में, कोई कोई कंपनी 2003 के बाद इस्टेब्लिश हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं। मैं एक लिंक भी आपको दे देता हूं और उस कंपनियों का नाम भी है सारा, ठीक है, ताकि आप मत्था में मार लो। आपके लिए इंटरेस्टिंग के लिए हो जाएगा, जोमेटो वगैरह का नाम आपने सुना होगा ना, जोमेटो वगैरह का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो उन कंपनियों को बोलते क्या है, जोमेटो, स्विगी, ओला, इस तरह की कंपनियां सुनी होगी आपने। उन कंपनियों को पेटीएम, जो 2003 के बाद एस्टेब्लिश हुई है, मतलब आप बड़े इंटरेस्टिंग रूप में देख सकते हैं। एक तरफ हमारे बीटेक एमटेक ये करने के बाद में ग्रुप डी के लिए अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट जॉब चपरासी बनना है, दूसरी तरफ वो तबका भी है, वो तबका भी है कि 1 बिलियन डॉलर का मतलब समझ रहे हो कितना हो गया, 100 करोड़ × 70, 100 करोड़ × 70 मतलब कि अरबपति हो गए वो। 63 लोग ऐसे भी हैं जो अरबपति है, यूनिकॉर्न वाले हैं 63, तो कुल मिलाकर क्या, और वो लाखों लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, देश की इकोनॉमी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। तो दोनों तरफ के, एक प्राइवेट सेक्टर है जो कि इतने बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, एक तरफ है हमारे युवा जो कि ग्रुप डी के लिए 3-4 साल से लगे हुए हैं, कभी पेपर पोस्ट बन कभी कुछ, तो दोनों तरह की हमें देखना है किस साइड है आपका रुझान है। यहां पे इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका ए होगा। ये मेंस में भी पूछा जा सकता है कि इस पे नोट्स लिखो, यूनिकॉर्न क्या होता है, यूनिकॉर्न क्या होता है, इस पे नोट्स लिखो। तो वो स्टार्टअप जो कि 2003 के बाद बना है, 1 बिलियन यूएसडी से ज्यादा वैल्यूएशन है उसकी। आज हाल फिलहाल में जोमेटो का आईपीओ भी आया था जो कि एक्चुअल में पता चला कि उसकी वैल्यूएशन कितनी है। ठीक है, अभी बहुत सारी कंपनियां हैं वो यूनिकॉर्न है, 63 इंडियन कंपनी है, वो बढ़ रही है। तो ये डाटा आपको लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला डाटा बस एक आइडिया है कि हाँ 100 के आसपास कंपनियां आने वाले 1 साल में हो जाएगी जो कि यूनिकॉर्न है। चलो, रानी की वाव, रानी की वाव या आप क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता इसको, मोटिव इज प्रेजेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी नोट्स। ये कोई ऐतिहासिक स्थल है, प्राचीन स्थल है, हमें यह बताना है कि हमारे जो नोट्स होते हैं, करेंसी होती है, कोई बोल रहा है कि सोनिया राइट साइड पे ऊपर 3 डॉट्स होते हैं उस पे, समझ नहीं आ रहा क्या क्वेश्चन आपका, आपस में बात कर रहे हो शायद। मेरा यहाँ पे मतलब ये है आपको कि जो करेंसी होती है, करेंसी में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं करेंसी के ऊपर, जैसे होता है ना बहुत फेमस क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार आया होगा कि 1 रुपए के नोट पे किसके सिग्नेचर होते हैं, आरबीआई गवर्नर नहीं होते ना उसमें, तो विथ स्टीव के होते हैं वो एक्चुअल में। तो इसी तरह से कुछ और भी क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ। आपको ये बताना है कि इकोनॉमिक्स में आजकल ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो क्या आप तैयार हो, आपने नोट वोट देख लिया उसके पीछे क्या लिखा होता है, किसकी यहाँ पे चिन्ह है, यहाँ पे किसका चिन्ह है, आप ये मान सकते हैं इसको, बताओ किसका चिन्ह है। क्या ये 100 रुपए के नोट पे होता है रानी की वाव जो कि गुजरात में कोई जगह है उससे रिलेटेड है, 50 रुपये, आप चाहे तो इसको आप वो कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा बिल्डिंग वगैरह जो भी है उसकी।
ठीक है, फिर है 200 रुपये नोट, 10 रुपये नोट और 100 रुपये, किसके ऊपर है बताइए, किसके ऊपर है, क्या रानी की वाव है, मोटिव ये किसके ऊपर है। तो यहाँ पे कुछ बच्चे ए आंसर दे रहे हैं, फंस गए ना, कुछ डी आंसर दे रहे हैं, कुछ ए दे रहे हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी दे रहे हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी तो कुछ और ही है वो, आपको इसका आंसर देना, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, बड़ा इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और आपके पास 50, 200, 10, 100 रुपये का नोट है तो फटाफट निकाल कर भी देखो ये है कौन सा। कोई बोल रहा गूगल करके बताए, चलो कम से कम बहुत ही ईमानदारी का परिचय तो दिया है। 7 का D बता रहा है, 7 का D बता रहा है। तो देखिए राइट आंसर आपके सामने है 7, ये डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहां पे क्या है कि रानी की वाव प्रिंटेड इन ऑन एट इट्स बैक साइड, 100 रुपए के नोट को पलट कर देखो अगर किसी के पास अभी अभी है तो वहां पे को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है गुजरात में, उसका चित्र है। 200 रुपए के नोट पे सांची स्तूप होता है, 10 रुपए के नोट पे कोणार्क का टेम्पल होता है, और 50 रुपए के नोट पे हम्पी, हम्पी होता है जो होता है ना, जो बैलगाड़ी वो घोड़ा चैरियट जिसको बोलते हैं, बाहुबली पिक्चर वाला, आप हम्पी वाला भी नोट कर सकते हो। तो 50 रुपए के नोट पे ये होता है। तो सारे नोट निकाल कर देख लो, सारे नोट निकाल कर देख लो, अगला बार क्वेश्चन आ रहा है। तो सीनेस बोल रही है कि मैं तो रानी की वाव में जा चुकी हूं। तो यहाँ पे बड़े बड़े योद्धा हैं, यहाँ पे बड़े बड़े योद्धा हैं, ठीक है। अब क्या है कि अंजलि जगत ने तो फटाफट निकाल कर नोट देख लिए, चलो 2000 वाला नोट के ऊपर क्या है, फिर 2000 वाला नोट हाल फिलहाल में आया, पता ही होगा आपको, सुधीर चौधरी या जीटीवी ने चिप चलाया था प्रोपेगेंडा कि इसमें चिप लगी हुई है जो कि आपको कभी वो नहीं करने देगा, वो नहीं करने देगा, कहने का मतलब है कि प्रोपेगेंडा था वो, और उसका बड़ी बदनामी भी होती है कि 2000 के नोट में चिप लगा दी बंदे ने। तो बताना है, चलो चिप तो नहीं थी, मोटिव क्या था, मोटिव क्या था उसके पीछे, मतलब वहां पे क्या लिखा हुआ है, 2000 के नोट के पीछे क्या है, ठीक है। आपके पास अगर 2000 का नोट है तो देखो फटाफट, और क्या वास्तव में है, क्या मंगलयान है, शांति स्तूपा है, सन टेम्पल है, हम्पी विद चैरियट है, ठीक है, ये बाहुबली वाला। तो यहां पे अगर देखोगे तो हमने पहले डिस्कस कर लिए 3 के, तो बाकी क्या बचा, मंगलयान बचा, फिर आप देख भी सकते हो, आपके नोट मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो 2000 वाला नोट है, हो सकता है इमीडिएटली आपके पास में न हो, लेकिन देखो कहीं ना कहीं मिले तो। और एक चीज और बता देते हैं कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, मार्स मिशन था ये, इसके पीछे कलर ऑफ द नोट इज मेजेंटा, साइज है इसका 66 mm इंटू 166 mm, mm का मतलब यहाँ पे सेंटीमीटर लगाओगे तो 16.6 सेंटीमीटर। सांची स्तूप है 200 पे, सन टेम्पल 10 रुपए पे, हम्पी का 50 रुपए पे, ये आपको कुछ बता दिया, ठीक है जी। आगे चलते हैं सिचुएशन, 15 क्वेश्चन करूंगा, देखते हैं कितने आप लोग करेक्ट कर पाओगे, कई क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग से आ रहे हैं। सिचुएशन इन एन इकोनॉमी वेयर अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रिवेलिंग, ऐसी इकोनॉमी में क्या होगा जब इकोनॉमी है वो सुस्त रफ्तार से भी चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट वाली इकोनॉमी को क्या बोलते हैं। फिर फटाफट वीडियो को शेयर और लाइक करो, शेयर नहीं कर रहे आप लोग, ठीक है। कोई बोल रहा है एग्जाम में नहीं देखने देंगे, आप 2000 रुपए का नोट दिखाना तो सही, आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। सिचुएशन इन इकोनॉमी वेयर अनएम्प्लॉयमेंट इज प्रेवलिंग, क्या बोलते हैं उसको, जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। इंडिया की इकोनॉमी इस सिचुएशन से काफी बार गुजरती है, मोटे तौर पे अगर आप बोले तो अभी भी लगभग गुजर रही है, वरना 2013-14 में जरूर गुजर रही थी, जहां इन्फ्लेशन रेट काफी ज्यादा हाई हो गया था, ठीक है। तो क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलेंगे स्टैगफ्लेशन, स्टेग्नेशन हो गया और साथ में इन्फ्लेशन हो गई है, स्टेग्नेशन हो गया है और साथ में इन्फ्लेशन हो गया है, मतलब इकोनॉमी रुक गई है, ग्रोथ नहीं हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, महंगाई भी बढ़ रही है, इकोनॉमी तेज गति से नहीं बढ़ रही है, इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है और महंगाई भी इकोनॉमी में है। ये सिचुएशन जब फिजिकल डेफिसिट ज्यादा होता है ना तब आने की संभावना काफी होती है, और फिजिकल डेफिसिट न बढ़े इसलिए सरकार क्या है कि पेट्रोल डीजल का इतना इतना बड़ा दाम कर रखा है ताकि फिजिकल डेफिसिट नहीं बढ़ने देने, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है,
ग्रेट लीप फॉरवर्ड वाज ए कैंपेन इनिशिएटेड इन 1958। आप आजकल अफगानिस्तान में आप बड़े चर्चे सुनते हो, अफगानिस्तान में अत्याचार बड़े देखते हो आप लोग, अफगानिस्तान में आप हवाई जहाज से लटके हुए या गिरते हुए या उनके शव देखते हो, आप तालिबान का क्रूर चेहरा देखते हो, आप अफगानिस्तान में अमेरिका को भागते हुए हारते हुए देख रहे हो, तो क्या आपने इससे भी खूंखार चेहरा देखा है कभी या सुना है? ठीक है, या नहीं होना चाहिए। तो उसी पे ही क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड वाज ए कैंपेन इनिशिएटेड इन 1958 एम्ड एट इंडस्ट्रियलाइजिंग द कंट्री ऑन अ मैसिव स्केल। जैसे भारत में कैंपेन चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, भारत तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन अगर कोई देश चलाता है कि भाई हमें तो इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर सबको एकदम से आगे बहुत ज्यादा ले जाना है, स्टार्ट किया था मियो के टाइम में, किस देश में 1958 में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इशिता का आंसर है चाइना, आंसर 10 आंसर का मतलब, अच्छा 10वें नंबर क्वेश्चन का, कुछ चाइना बोल रहे हैं, देखते हैं कि क्या इसका आंसर होगा। इसका राइट आंसर है चाइना। तो चाइना के आपने करतूत काफी बार देखी होगी, हाल फिलहाल में तो आप करतूत ये देखते हो कि चाइना ने कोरोना फैलाया है, चाइनीज बीमारी है ये, कोविड चाइनीज है, लेकिन इससे भी खतरनाक काम कर चुका है ये। यहां पे देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो कि 30 से 55 मिलियन लोग हैं वो भूख से मर गए थे या फिर उनकी हत्या कर दी गई, टॉर्चर कर दिया गया था, सुसाइड किया डिप्रेशन में। 55 मिलियन का मतलब 5 करोड़ लोग अमेरिका अफगानिस्तान में तो अभी हालात है 1000-2000 इस तरह से डेथ हो रही है, 3 से 5 करोड़ लोग है वो इसका हालात हुए थे। जब 5 साल के लिए टारगेट रखा था ग्रेट लीप फॉरवर्ड में कि हम एग्रीकल्चर की कलेक्टराइजेशन करेंगे, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, रूरल इकोनॉमी में इंडस्ट्री लाएंगे और एग्रीकल्चर को कलेक्टिव रूप में करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से जो आइडियोलॉजी होती है कम्युनिस्ट की, वो आइडियोलॉजी है जिसमें कि लाखों करोड़ों लोग मारे गए थे। ये माओ का इनिशिएटिव था जो कि फ्लॉप हुआ पूरा, ठीक है। टक्कर किससे लेनी थी? अमेरिका से लेनी थी। जो आज आप देख रहे हो चाइना को, वो 1980 के बाद वाला चाइना है, जिसने कि लिबरलाइजेशन, जिसने कि प्राइवेटाइजेशन, जिसने कि ग्लोबलाइजेशन का दौर देखा है। जब आप हम लोग आज के टाइम में कोई रेलवे प्राइवेटाइजेशन की बात होती है तो लोग बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं, लेकिन चाइना तो उसी रास्ते से आगे बढ़ा है। लेकिन जब सरकारीकरण था तो चाइना बहुत पिछड़ गया था। अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 11 में कि ऐसा कोई इंडेक्स जो कि देश ये चाहता है कि हमारे लोग खुश रहे, अमीर मत बने, हमें नहीं चाहिए अमीर लोग, हमें चाहिए खुश लोग, हम मेजर करेंगे खुश, हम नहीं, हमें नहीं चाहिए जीडीपी जीएनपी ये फंड ये वो फंड। हाँ, तो क्वेश्चन आपके सामने देखिए, क्वेश्चन क्या है कि कौन सा ऐसा देश है जो कि खुश रहने के लिए जोर लगा रहा है। अभी पीछे एक रिपोर्ट आई थी, शायद आपने भी पढ़ी होगी, कि इंडिया के लोग बड़े दुखी रहते हैं। क्या सच्चाई है? क्या इंडिया के लोग खुश नहीं रहते? इंडिया में लोगों का जो खुशी का लेवल है वो उसका इंडेक्स बहुत ज़्यादा खराब है, मतलब पूरे वर्ल्ड के जो 150 कंट्री में भी नंबर नहीं आता, इतने ज़्यादा दुखी है बेचारे। क्या वास्तव में इंडिया वाले इतने दुखी हैं? क्या वास्तव में इतने वाले दुखी हैं, इतने दुखी हैं? तो यहां पे देखिए, इस ये देश है, आप लोगों ने सही आंसर दिए, ये है भूटान, ये है भूटान। भूटान ऐसा देश है जो कि जिसने कि सबसे पहले ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स है वो स्टार्ट किया था, कलेक्टिव हैप्पीनेस और जानने के लिए कि हमारी पॉपुलेशन किस रूप में रह रही है। इसके 4 पिलर होते हैं। कौन सा पिलर है इसके? गुड गवर्नेंस, सस्टेनेबल सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कल्चरल प्रिजर्वेशन और इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। यहाँ के लोग इन्वायरमेंट पे बहुत ध्यान देते हैं, यहाँ पे हरा भरा हरे भरे पेड़ पौधों पे बहुत ध्यान देते हैं, यहाँ पे लोग कल्चर पे बहुत ध्यान देते हैं।
हमारे यहाँ पे कल्चर है वो आजकल कुछ और ही बन गया है। अभी मैं एक देख रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हरियाणा की कल्चर है, जब मैं कुछ गाने देख रहा था जिसमें आजकल एक बादशाह का भी गाना आया हुआ है, बादशाह का गाना है, जो कि हरियाणवी जो लेडी हैं रोहतक झज्जर के आसपास की गाँव की, उन्होंने गाना गाया उसके ऊपर, उसने बहुत अच्छा बनाया उस कल्चर को प्रमोट करने के लिए, बावड़ा वाला गाना, बावड़ा इस तरह से करके। तो कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि इंग्लिश के गाने, उस लैंग्वेज के गाने, यहाँ पे हमारे हरियाणा में भी अगर पुराने टाइम के देखो, अगर शादी होती थी, विदाई होती थी, बारात आती है, बटे हुआ आता है, अलग अलग मौके पे बहुत ही बढ़िया शानदार गाने, बहुत ही बढ़िया शानदार गाने। और आज के टाइम में यूट्यूब जैसा एक प्लेटफॉर्म है या सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म है, तो कहीं ना कहीं जो हमारी कल्चर है उसमें हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है उससे भी। नो डाउट इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट है, उससे अलग टाइप का रोजगार मिलता है, हिंदी से अलग टाइप का रोजगार मिलता है, या हिंदी एक कम्युनिकेशन वाली चीज है लोगों के, लेकिन जो कल्चर है होता है ना वो भी बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकता है। कल्चर लोगों को खुश रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लोग खुश हो जाते हैं कई बार जब ये पुराने गाने सुनते हैं ना, जो थोड़े बुजुर्ग टाइप के, बड़े खुश हो जाते हैं कि देखो ये। चलो आगे देखते हैं, आगे चलो। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम? आपको यह बताना है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया है। एक इंडेक्स आता है इकोनॉमिक फ्रीडम का। इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब कि अगर आप जो बिजनेस करना चाहते हैं, आपके रुकावटें ज्यादा नहीं है, आप जिसको एम्प्लॉयमेंट पे रखना चाहते हैं, मतलब फ्रीडम इंडेक्स, जैसे हरियाणा ने तो लगा रखा है कि 75% लोकल यूथ होंगे, ये इसका मतलब क्या, फ्रीडम पे ये कुठारा गाता है। कोई कंपनी आएगी वो तो अपने हिसाब से करना चाहिए उसको, तो ये फ्रीडम इंडेक्स की बात हो रही है। इंडिया का यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है ये रिलीज करती है इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, और इसमें इंडिया की हालत ठीक नहीं है। जिस देश में ज़्यादा फ्रीडम इंडेक्स होगा वो देश आगे भी है, जो पिछड़े हुए देश है उसमें यही प्रॉब्लम है। जो देश ज़्यादा सरकार करे ना, कि सरकार ये करे, सरकार, वो बहुत ज्यादा पिछड़ते जा रहे हैं। जब लोगों को फ्री हैंड दिया जाता है बिजनेस करने का, वो देश आगे जा रहे हैं। सिंगापुर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, नंबर वन है इस रैंक में। ठीक है, सालू गुलिया बोल रही है कि फट रखा है, कॉन्फिडेंट नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है हेरिटेज फाउंडेशन है। हेरिटेज फाउंडेशन है, और साथ में क्या है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल है, ये दोनों मिलकर ये इंडेक्स पेश करती है। 1995 से लेकर ये इंडेक्स पेश किया जा रहा है। जब हम फ्रीडम की बात करते हैं, इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करती है, तो वो कम्युनिस्ट के थोड़ा उल्टा हो जाता है, मतलब राइट विंग जिसको भी बोल सकते हैं हम लोग, तो वो आइडियोलॉजी जो कैपिटलिस्ट को इकोनॉमी को प्रमोट करती है, जो आइडियोलॉजी सरकारी तंत्र नहीं, मिक्स इकोनॉमी नहीं, मतलब कि लोग ही बिजनेस करें, लोग स्कूल खोलें, लोग फैक्ट्रियां लगाएं, सरकार का मिनिमम इंटरवेंशन हो, और देश भी आगे वही बढ़ रहे हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो यहां पे आगे है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, लेकिन आसान उनके लिए जिनको आ रहा है। इंडिया का जो रैंक है इसमें, जो मैं समझता हूं 121 के आसपास है, इंडिया का रैंक 121 के आसपास है। आप देखो, मैं इसकी वेबसाइट पे जाकर देखा मैंने, और मैंने देखा कि इंडिया के हालात क्या है इसमें, तो 121वीं रैंक और बहुत खराब हालात है। विटी कल्चर रेफर टू द, आप भी जा सकते हैं इसकी वेबसाइट पे। विटी कल्चर क्या होता है? कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, क्या अंगूरों की खेती?
क्या अंगूरों की खेती होती है? ब्रीडिंग ऑफ फिश, कॉमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म, ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल, सब्जियों का उगाना, मछलियों का उत्पादन, सिल्क वर्म का उत्पादन, कॉमर्शियल रियरिंग, या फिर अंगूरों की खेती, किसको बोलते हैं विटीकल्चर? तो ज्यादातर आप लोग बोल रहे हैं ग्रेप्स है, कोई कुछ और बोल रहा है क्या? और कुछ सी भी बोल रहा है, सुपरस्टार विराज शायद उसने पिछले आंसर दिया हो, शिवाजी राव ग्रेप्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है सेरिकल्चर तो सिल्क वर्म है, ठीक है, इसका राइट आंसर है वो है ग्रेप्स, ग्रेप्स इसका। लेकिन अगर वेजिटेबल आ जाए तो क्या बोलेंगे फिर आप? देखिए यहाँ पे ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल है वो किसको बोलते हैं? ये ओरिए कल्चर है, ओरिकल्चर। सेरिकल्चर क्या है? सिल्क। और पीसी कल्चर क्या है? ये यहां पे पीसी कल्चर है ऊपर, ये रही पीसी कल्चर मछलियों वाली। और अपने वाली कौन सी थी? बीटी कल्चर। ये कौन सी है? बीटी कल्चर। आगे चल लेते हैं, रिलेटेड एरिया ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन। बताओ क्या है? रिलेटेड एरिया ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन, मतलब कि गोल्डन रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? हमने नीली क्रांति पढ़ी, दूध की क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन पढ़ा, बहुत सारी चीजें पढ़ी, लेकिन गोल्डन रिवॉल्यूशन आ जाए तो गोल्डन रिवॉल्यूशन में मतलब क्या है? इसका संबंध क्या है? अंडों से है, ऑयल सीड से है, फूड से है, फिश से है, किससे? अब यहां पे लड़ाई हो चुकी है, कोई बी बोल रहा है तो कोई सी बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है कोई सी बोल रहा है। इसका राइट आंसर है वो है सी, फ्रूट। 1991 से लेकर 2003 का पीरियड होता है, 1991 से लेकर 2003 का पीरियड होता है जिसको हम लोग गोल्डन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, गोल्डन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। और वो रिवॉल्यूशन है जिसमें कि हनी और हॉर्टिकल्चर का जिक्र आता है, हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल, फ्रूट और जो बाकी चीजें हैं वो इंक्लूड है। तो यहाँ पे इसका जो संबंध है वो हनी और हॉर्टिकल्चर से है एज पर क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है, हनी था ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। अब आ जाता है कि फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन है वो इंडिया में निरपक्ष टू टेज इसको माना जाता है, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, जैसे होता है ना वर्गीज कुरियन वगैरह के बारे में सुना होगा आपने, उस पर आता है क्वेश्चन वर्गीज कुरियन के बारे में, तो यहां पे निरपक्ष टू टेज के बारे में भी आ सकता है कि इसका संबंध किससे है। एज पर, अच्छा इसका आंसर दो, इकोनॉमिक्स का थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आ गया, हार्ड कोर टाइप का क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, हार्ड कोर टाइप का क्वेश्चन आ गया। और हार्ड कोर टाइप का मतलब क्या हुआ? एज पर मैंक्यू प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, क्या है? एज पर मैंक्यू प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ए कंट्री डिपेंड्स ऑन द कंट्रीज, कि किसी देश में लोगों की जो स्थिति है, जीवन यापन है, उसका स्टैंडर्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? अगर किसी को कोई दिक्कत है ना तो गूगल सर्च कर लिया करो, अगर किसी को कई बार डाउट हो जाता है ना कि ये यार येलो होगा, गोल्ड होगा, ये होगा वो होगा, तो गूगल सर्च कर सकते हैं आप, ठीक है ना, इतनी देर में तो हो जाता है। आजकल टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी को जानता हो वो सारी चीजें बहुत फटाफट कर लेगा, ठीक है। मैंक्यू प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है, इसका संबंध किससे है? बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ये बताना है इसका आंसर क्या है, कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ए कंट्री डिपेंड ऑन कंट्रीज, कंट्री की किस एबिलिटी पे डिपेंड करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बताओ, बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब बहुत सारे लोग इसमें तुक्का भी मारने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे गवर्नमेंट पॉलिसी भी हो सकता है,
फिर अगला पढ़ेंगे, नहीं नहीं एवरेज वेजेज भी हो सकता है, नॉमिनल वेजेज भी हो सकता है, फिर सोचेंगे एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज भी हो सकता है। ये क्या है, ये आपके अपने विचार है। जब आप बात आती है कि उस बंदे ने क्या बोला, तो इसका मतलब उस बंदे के विचार होने चाहिए ना। अब जो तुक्का मार रहे हो ना आप लोग, वो आप अपने विचार बता रहे हो, अपनी थ्योरी है, वो तो अपनी थ्योरी है। जैसे कि ब्रजेश तोमर प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं, ब्रजेश तोमर प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं कि एवरेज वेजेस किस डिपेंड करता है, कि जो एवरेज वेज अगर ज्यादा है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा है। लेकिन यहां पे राइट आंसर है वो क्या है, डी है, डी एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, कि अगर किसी देश की क्षमता है ज्यादा उत्पादन करने की, ज्यादा उत्पादन का मतलब कि कारें ज्यादा बन रही है, हवाई जहाज बन रहे हैं, बसें बन रही है, और सामान बन रहे हैं, टीवी बन रहे हैं, हॉस्पिटल है, एजुकेशन है, टेलीकम्युनिकेशन है, अगर ये सारी चीजें ज्यादा बन रही है, सर्विस सेक्टर हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, या अगर ये ज्यादा बने तो वहां के लोगों का जीवन यापन ही ज्यादा हो जाएगा, जीवन लाभ यापन हमेशा बढ़िया मिलेगा। ये प्रिंसिपल है मेक यू प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, तो आज इतना ही, ये आप देख भी सकते हैं डी का राइट आंसर होगा। आज की क्लास में इतना ही करते हैं। अगर अब आपके सामने कोई, अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन है या आप कोई चीज पूछना चाहते हैं किसी भी मुद्दे पे, अब देखो आपका 12 सितंबर को एग्जाम है, ये बहुत ही क्लियर हो चुका है। बहुत सारी अफवाहें भी फैली थी मार्केट में, भी पोस्टपोन हो गया, यूट्यूब चैनल आपको पता है इस तरह के बहुत होते हैं, बच्चे चाहते हैं कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, तो बच्चे उन चैनलों को प्रमोट भी करते, खुश नहीं होते बच्चे, अगर बच्चों का एडमिट कार्ड आ जाए बड़े नाराज हो जाते हैं, एग्जाम होगा अब तो देना पड़ेगा एग्जाम, बच्चे नाराज हो जाते हैं आज के टाइम में। ठीक है, बताओ कितने आपके करेक्ट हैं, 8/15 खुशी कंपोज का, महेंद्र का 7/15, महेंद्र सबसे ईमानदार है। ठीक है, कमांडो साहब का है 11/14, एडमिट कार्ड आ चुके हैं। ठीक है जी, 14/15 है विकास केंद्र का, इशार किसका आया है, एडमिट कार्ड आ गए क्या, एडमिट कार्ड तो आ गए, आप एग्जाम देने बैठ जाओ। अब 12 तारीख को आप अपना सामान लेकर जहां जहां पे किसी का हिसार है, किसी का सिरसा है, किसी का चंडीगढ़ है, किसी का पंचकूला है, जहां जहां पे भी एग्जाम है, आप फटाफट बताओ कि किस किस के अलग, अपने अपने सिटी बताओ फटाफट, जिससे कि दूसरों को भी पता चल जाए ना कहां कहां पे आए हैं। आप लोग अपने अपने सेंटर का डिस्ट्रिक्ट या शहर बता दो कहां कहां पे है, जिससे दूसरों को भी पता चल जाए कि वहां वहां पे सेंटर आ गए हैं। मेरे ख्याल में पूरे हरियाणा में होंगे शायद, मेरे ख्याल से पूरे हरियाणा में भी होंगे। मेरा है इशार, जिसके इशार है ना, सॉरी इशार नहीं, जहां जहां पे है वो अपना लिख कर दिखाए, पता तो चले ना कितने जगह पे है, सिरसा भी आ चुका है, पंचकुला भी है, कुरुक्षेत्रा भी है। इसका मतलब क्या है, इशार, कुरुक्षेत्रा, पंचकुला, करनाल, फरीदाबाद, सिरसा, लगभग हर जगह एग्जाम है, फरीदाबाद भी है, कैथल भी है, एग्जाम कैथल भी है। अंजू रानी ऑल द बेस्ट बहना, चलो जी अभी डाउनलोड नहीं किया, नहीं डाउनलोड की बात नहीं है कि वैसे आपको पता चल गया हो, सर अबाउट प्रिलिमिनरी आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट बट आई हैव अंडरगॉन थ्रू सिलेबस, सिलेबस नहीं मतलब आपको फटाफट रिवीजन मारना है। जो बच्चा आखिरी 10-12 दिन में बहुत एनर्जी लगाकर रिवीजन करेगा, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू करेगा, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज करेगा, मॉक टेस्ट आप जरूर ज्वाइन करो, मॉक टेस्ट आपको आपने अभी किया नहीं है तो मॉक टेस्ट करो ज्वाइन, और अगर आपको एमसीक्यू करने ज्यादा ज्यादा तो आप ये वाला कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, 20,000 एमसीक्यू, जिसकी अच्छी तैयारी है, क्योंकि इसका लेवल थोड़ा हाई है। ठीक है, अगर हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो ये वाला आपके लिए मदद करेगा, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। सर माई एग्जाम सेंटर जगाधरी भी आया, यमुनानगर भी आया है, जगाधरी बजनलाल का जगाधरी है,
ठीक है। इसी तरह बोलना है कि करंट अफेयर्स का ज्यादा वेटेज डिपेंड करता है, 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 25 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ऐसे कोई फिक्स नहीं है, जो एग्जामिनर जिसने बनाया है उसके मूड के ऊपर, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो क्या हम मान लें कि पंचकुला से लेकर और हिसार से लेकर सिरसा और फिर फरीदाबाद, गुड़गांव, अम्बाला, कैंट, हर जगह पे लगभग आया है सेंटर? क्या किसी का भिवानी है सेंटर? क्या किसी का भिवानी दादरी है? सरखी, दादरी, भिवानी। सर अब क्या प्रॉफिटेबल है टेस्टरी ज्वाइन करें? टेस्टरी तो आखिर में करनी होती है, टेस्टरी तो आखिर में करनी होती है ताकि आपको स्किप टेक्निक का पता चले ना। टेस्ट सीरीज को नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं होती कि सोचो टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन आएंगे। टेस्ट सीरीज आपके लेवल को बताती है, टेस्ट सीरीज आपको करेक्टिव मेजर्स बताती है, टेस्ट सीरीज आपको आर्ट सिखाती है कि आपको उतने नॉलेज में ज्यादा स्कोर कैसे कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपको कॉन्फिडेंस देती है कि आपका कॉन्फिडेंस कैसे मेंटेन करना है। टेस्ट सीरीज आपको एग्जाम काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट करती है। तो टेस्ट सीरीज के अलग टाइप के फायदे हैं। पानीपत आया है? हाँ जी सर। नहीं आप ये बताओ जिसका भिवानी है, चरखी दादरी है, रेवाड़ी है, वो वाली बेल्ट नहीं आई है अभी तक। महेंद्रगढ़ है, नारनोल है, उसका तो आपने किसी ने बताया नहीं। कोई बोला कि सर तो एड मेंस के लिए बताओ हिंदी सही रहेगा या इंग्लिश? पहले आप प्री दे दो, अब मेंस की बात 12 तारीख के बाद ही करेंगे, ठीक है? पहले आप प्रीलिम्स दो, प्रीलिम्स में आपका स्कोर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। वैसे तो डिपेंड करता है कि लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर किस तरह से है, लेकिन फिर भी आपका बहुत ही अच्छा स्कोर होना चाहिए। कोई बोल रहा लिंक कहाँ मिलेगा? लिंक तो हमारी नीचे वेबसाइट में लिंक है, इसके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपके मॉक टेस्ट में 50 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं, 50-60 के आसपास आने की कोशिश करो। अगर 60 नंबर आ रहे हैं तो एक ठीक स्कोर है। ज्यादा टेस्ट करेंगे तो ज्यादा बढ़ेगा। टेस्ट सीरीज का लिंक मैं यहां पे भी दे देता हूं आपको, जिसने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया वो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकता है। यहां से भी मैं लिंक दे रहा हूं। और इस टेस्ट सीरीज के साथ में आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा पूरे 1 साल का। सर आपका अंदाजा क्या कट ऑफ का? अगर यही लेवल रहा तो, यही लेवल रहा तो 60 से 65 के आसपास जाएगी कट ऑफ। अगर लेवल बहुत आसान सा, आमतौर पर आसान से पेपर आ जाते हैं तो फिर देखिए आप 70% के आसपास भी जा सकती है, 65% 70% ये स्कोर उस रेंज में। अगर बहुत आसान आए तो फिर तो 90 भी जा सकती है, क्या बोल सकते हैं। यूपीएससी पैटर्न पे आए तो 50% के आसपास जा सकती है। यूपीएससी में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, इसमें 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है, थोड़ा फर्क है। यूपीएससी में स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि जो फैक्चुअल क्वेश्चन आसान होते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन तो इस तरह से होते हैं कि बहुत आसान भी लगेंगे आपको, और क्योंकि उस चीज़ का पता नहीं है बस इसलिए गलत हो जाते हैं, ठीक है। और हाउ मच शुड बी स्कोर टू क्वालिफाई अप्रोक्सीमेटली? लगभग आपको 65% के आसपास स्कोर होना चाहिए। टेस्ट सीरीज होना, हाँ टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ऑब्वियसली, तभी तो आपको इमीडिएटली रिजल्ट आएगा, एनालिसिस होगा, बाकी लोगों के साथ रैंकिंग का पता चलेगा, कौन से सब्जेक्ट में कितना गलतियां हो रही है, कौन से चैप्टर पे कितनी गलतियां हो रही है, सारा का सारा रिपोर्ट आती है बनकर। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें मेरे ख्याल से डिपेंड करता है। देखो आपके 80 से ऊपर तो हमेशा होने चाहिए, वरना संभावना कम ही हो जाती है। अगर पेपर आसान होता है तो 90 के आसपास आपके अगर अटेम्प्ट है और एक्यूरेसी सही है तो आप थ्रू हो। अगर 80 अटेम्प्ट है और एक्यूरेसी सही है तो भी हो सकता है आपका क्लियर, लेकिन अगर 60 अटेम्प्ट किए आपने, 100% भी एक्यूरेसी तो भी खतरे में जान। तो आपका टारगेट तो होना ही चाहिए कि 80 प्लस तो हो ही हो। अब 80 प्लस में डिपेंड करता है 90-95 कितना करते हैं, कई बच्चे 100 में से 100 करते हैं, खतरा हो जाता है, वो भी एक रिस्क है। बहुत ज्यादा करना भी एक रिस्क है अटेम्प्ट करना, और बहुत कम करना भी एक अपने आप में रिस्क है। बहुत कम तो इसका मतलब भारी है वो, बहुत कम का मतलब कि जैसे मान लो किसी ने 100 में से 50 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए,
उसका क्या कर ले फिर? 100 में से 50 क्वेश्चन करना कोई मतलब नहीं है, 60 क्वेश्चन करना भी कोई मतलब नहीं, 40 छोड़ेगा कोई आदमी 100 में से, मतलब अल्टीमेटली गैस तो मारनी मारनी पड़ेगी आपको। क्वेश्चन आ रहे होंगे आपके 100 में से 40 के आसपास, 35, 40, 30 इतने क्वेश्चन आ रहे होंगे, बाकी जो 20% क्वेश्चन है ना वो कमाने पड़ेंगे घुमा फिर आकर कि भाई 4 में से 2 ठीक, 2 एलिमिनेट कर दिए, 4 में से 3 एलिमिनेट कर दिए, थोड़ा सा तुक्का लगा दिया, कुछ गलत हो गया कुछ सही हो गया, इस तरह से चलता है। कोई बोल रहा है क्या बोल रहे हैं, किसी को अंबाला कैंट भी मिला है क्या? अंबाला कैंट न्यूज वर्मा बोल रहा है कि एचपीसी के पेपरों का मिलता जुलता है वो, तो ठीक है चलो, अंबाला कैंट है ना बहुत सारे लोगों का, बढ़िया। वो बोला कि 85 से 95 रेंज से डिपेंड करता है ना, डिपेंड करता है, अगर बहुत मुश्किल आता है तो फिर आपको छोड़ने ज्यादा पड़ सकते हैं। किसी ने ये नहीं बताया भिवानी में, दादरी में, रिवाड़ी में, महेंद्रगढ़ में, नारनौल में, गुड़गांव में भी नहीं बताया, ऐसा लग रहा मुझे। क्या इस एरिया में, पलवल में, पलवल, गुड़गांव, रेवाड़ी, दादरी, सरखी, महेंद्रगढ़, नारनौल, दारूएड़ा, ये वाली जो बेल्ट है क्या इसमें किसी का एग्जाम है? क्या बता सकता है कोई इसी में एग्जाम है क्या? या लोग हिसार, पानीपत, करनाल, पंचकुला, यमुनानगर, कैथल, उस एरिया में घूम रहे हैं क्या? उसी एरिया में एग्जाम है क्या? तो जल्दी से आप बता भी सकते हैं, मुझे भी थोड़ी सी पता चल जाएगा ना। कोई बोल रहा है कि पीडीएफ फ्रॉम जून टू जुलाई, जून टू दिसंबर, आप हमारी ई बुक है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ई बुक का मतलब आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, कोई प्रिंट आउट वगैरह नहीं ले सकते। और अगर एक काम कर सकते हो आप लोग, मैं आपको अमेजन का लिंक देता हूँ, जो पिनेकल हमारी है ना पिनेकल, तो पिनेकल की जो करंट अफेयर्स की पिछले 6 महीने के, वो ले लो आप, मैं आपको वो देता हूँ उसका लिंक। मैंने आपको दे दिया है कि दिसंबर से लेकर, दिसंबर 2020 से लेकर और टिल नाउ, जुलाई आप बोल सकते हैं, जुलाई तक, जुलाई तक सारे करंट अफेयर्स है इसमें। आप अमेजन से प्रिंट कॉपी मंगा सकते हैं, अमेजन से मंगा सकते हैं आप, ये अमेजन पे मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी, अमेजन पे, अमेजन और फ्लिपकार्ट पे। क्या बोल रहा है कि सर इट इज डिफिकल्ट इन दिस टू बी, नहीं, पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करते थे, लाखों रुपए खर्च होते हैं। देखिए एक कोई चीज बनती है ना तो हजारों लाखों रुपए खर्च होते हैं और उसके ऊपर बहुत सारे इंप्लॉय काम करते हैं, तो अगर पीडीएफ वगैरह शेयर हो जाते हैं तो आप सोचिए कि कितना लॉस होता है, आपको भी खतरा है क्योंकि पता चला कि आपके ऊपर ही केस हो गया, आप कॉपीराइट वायलेशन कर बैठे, मतलब आपको भी नुकसान है और हमें नुकसान है मॉनिटरी। तो ये वाली जो चीजें होती है ना वो आप, हम लोगों ने सिस्टम बना रखे हैं, सॉफ्टवेयर बना रखे हैं, उसी का इस्तेमाल करना है आपको, तो ये ईबुक के रूप में मिलती है, आप समझो इस बात को, पीडीएफ नहीं मिलेगी। और इसके लिए क्या है कि आप प्रिंट आउट मंगा सकते हैं, मैंने आपको बताया कि आप अमेजन से मंगा सकते हैं, हमारी है वो। तो बोला टेलीग्राम पे ग्रुप बना लो, कोई टाइम खराब मत करो टेलीग्राम वगैरह पे, ये ऑफिसर टाइप के लोग होते हैं ना वो इस तरह से नहीं करते,
जो होते हैं ना ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, वो चलते हैं इस तरह कि मैं उसके साथ बैठ कर तैयारी करूंगा, मैं उसके साथ बैठ कर तैयारी करूंगा। जहां से जिसको तैयारी करनी है वो कर सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, कई बार क्या होता है कि बच्चा थोड़ी सी यूपीएससी लेवल की तैयारी करता है, वो नुकसान में आ सकता है, क्योंकि ये फैक्चुअल टाइप की चीजें पूछी जाती है। तो फैक्चुअल में क्या होता है कि जैसे कि मान लो किसी की अपॉइंटमेंट कहाँ हुई, या खेलों में किसने क्या जीता, अब वो कोई कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए तो आपको जरूरत नहीं है उसकी। तो एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यूपीएससी की तैयारी थोड़ी अलग होती है, और जो एचपीएससी या जो दूसरे फैक्चुअल टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। तो इस बात में मत रहिए कि किसी ने यूपीएससी की तैयारी की है उसको सब कुछ आता होगा, वो बल्कि बहुत गलत फहमी में रह सकता है। यूपीएससी कैंडिडेट से कोई जरूरी नहीं है कि बैंक क्लर्क का भी एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, बैंक क्लर्क कोई जरूरी नहीं है, यूपीएससी में क्वालिफाइड है, आईएएस भी बन चुका है, और बैंक का क्लर्क का एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं कर सकता। दो अलग अलग टाइप के एग्जाम होते हैं, हर एग्जाम का अपना पैटर्न होता है, आप इस बात को समझने की जरूरत है। हाँ, ई बुक तो है ना हमारी वेबसाइट पे। जुलाई टू दिसंबर 2020 की बात कर रहे हो क्या? जुलाई टू या किस की बात कर रहे हो? 2021 की बात कर रहे हो? 2021 में फोकस करो ना, क्योंकि उसमें जुलाई वाली चीजें कवर ही होती है आमतौर पे, पुरानी चीजें कवर ही हो जाती है, रिपीट होती है ना पुरानी चीजें, पुरानी चीजें रिकवर होती है। वरना क्या कि हमारे 2 साल के जो वनडे वाले एग्जाम है वो कर सकते हो, उसके बाद क्या हमारे पास बहुत सारी मैगजीन भी है पीछे की, 2 साल तक की भी दे देंगे। लेकिन कहीं ऐसा ना हो 2 साल के चक्कर में हम आपको 2 साल का करंट अफेयर दे देंगे, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि 2 साल के चक्कर में आप अपना टाइम ज्यादा खराब कर लें, यह खतरा ज्यादा है। हमारे लिए सारा कंटेंट है, पिछले 5 साल से हम डेली करंट अफेयर्स बना रहे हैं, पिछले 5 साल से डेली करंट अफेयर्स बना रहे हैं, तो ईयरली भी बनाते हैं, हाफ ईयरली भी बनाते हैं। प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं होगी, प्रॉब्लम आपके साथ हो जाएगी। चलो कल मिलते हैं। कल आपको क्या करना है पता ना? देखो अब देखो यही बात आ रही है, यूपीएससी वाली चीज आ गई ना। अब एचपीएससी में या एचसीएससी या जो छोटे एग्जाम होते हैं, जैसे यूपीपीसीएस टाइप के एग्जाम, छोटे तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन इसमें क्या होता है फैक्चुअल टाइप की चीजें आती है, ये साइंस इसमें ये पढ़नी होती है। क्या यूपीएससी में ये साइंस पढ़ने की जरूरत है? ये आनी चाहिए क्योंकि ये बेसिक साइंस है। लेकिन यूपी में टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं, टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चन आते हैं, जो कि हो सकता है एचएस में ना आए, लेकिन ये वाली साइंस तो आनी चाहिए ना, पीरियोडिक टेबल से, फिर ठीक है गैस लॉ से रिलेटेड, मेटलर्जी से रिलेटेड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में है तो वहां पे अप्लाइड केमिस्ट्री भी होती है। और ये जो हमें करवा रहा हूँ वो जो पीछे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में आ रहे हैं क्वेश्चन वो करवा रहा हूँ, जैसे आज भी देखा होगा आपने इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना? तो ये वाले क्वेश्चन है वो आपको करके आने, ये एचपीएससी या जो दूसरे एग्जाम होते हैं वो पैटर्न है, फैक्चुअल टाइप की चीज। यूपीएससी में ये आनी चाहिए, लेकिन ये उम्मीद मत कीजिए यूपीएससी में ये वाली चीजें पूछी जाएगी। तो दो अलग अलग टाइप के एग्जाम है, ठीक है? जैन टू जुलाई मेरे ख्याल से फायदा में रहेगा, वही कर लो, कम टाइम है। अगर किसी ने पहले नहीं किया तो फिर आपको बाकी चीजें भी करनी है ना। चलो आप लोगों ने जवाब तो दिए नहीं, भिवानी में सेंटर नहीं बताया, दादरी में नहीं बताया, रेवाड़ी में नहीं बताया, महेंद्रगढ़ में नहीं बताया, गुड़गांव में नहीं बताया, आप लोगों को या तो कुछ पता ही नहीं है, या फिर आप कल बताओगे, कल केमिस्ट्री करके आना ये क्वेश्चन सारे जो बताए।